नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर सेना के 23 जवान लापता हैं। फिलहाल सेना के कैंप उखड़ चुके हैं, 41 गाड़ियां डूबी है। तिस्ता नदी का जल स्तर 15 से 20 फुट तक बढ़ गया। ये खबर है सिक्किम गंगटोक से, जहां पर बादल फटने की जानकारी निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है जहां पर 23 जवान अभी भी लापता है। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक लहोनक झील के ऊपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटने की जानकारी मिली थी। बाद लाचोन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई। इधर बारिश के भी बादल मंडरा रहे। नदी से लगे इलाके में सेना का कैंप है, जो बाढ़ की चपेट में आने की जानकारी है, जिसे वो बह गया। गुवाहाटी के डिफेंस पीआरओ ने बताया कि अचानक पानी बढ़ने के कारण चुंगथांग बांध से पानी छोड़ना बंद किया और इसके बाद यहाँ निचले इलाके भी डूबने लगे, तो पानी छोड़ना पड़ा और यहाँ सिंगताम के पास बरदांग में खड़े सेना के 41 वाहन डूब गए। फिलहाल ये जानकारी है, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम लगातार जारी कार्य अब विभाग कार्रवाई पे है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर, लाइक शेयर कमेंट।